दोस्तों आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के अंदर आए पांच न्यू अपडेट जो सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा यूजफुल। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर किसी की भी चैट देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर पांच न्यू अपडेट आए वो बड़े ही मजेदार के अपडेट है, खासकर लड़कियों के लिए। दोस्तों अगर आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करना चाहते हो तो दोस्तों चार नंबर की जो अपडेट है चैट देखने की और आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना। जो दोस्तों एक अपडेट आई है वो व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर आई है। ग्रुप के अंदर अगर आपका ज्यादा काम है, ग्रुप के अंदर आप काम करते हो तो दोस्तों वो भी अपडेट आपके लिए बड़ी मजेदार की है। अब बताऊंगा कि ये अपडेट आपको कैसे मिलेगी और एक एक करके डिटेल से इन अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर आपने अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर आए पांच न्यू अपडेट जो दोस्तों बड़ी मजेदार की अपडेट है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को कर देना अपडेट। आप नॉर्मल व्हाट्सएप या फिर बिजनेस व्हाट्सएप कोई सा व्हाट्सएप यूज करते हो बीटा वर्जन, तो आपको क्या करना, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को कर देना अपडेट। अपडेट करने के बाद में दोस्तों ये पांच अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको यहां थ्री डॉट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए और यहां दोस्तों आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो दोस्तों यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट का। इस चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगी, चैट ट्रांसपोर्ट। दोस्तों अगर आपके पास पुराने मोबाइल से न्यू मोबाइल के अंदर चैट को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, चैट ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट बिना किसी बैकअप, तो दोस्तों अब कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां लिखा हुआ भी है आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर, और उसके बाद स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और दोस्तों यहां क्या करना, न्यू मोबाइल टू पुराने मोबाइल के आरओ कोड को स्कैन करा देना। करने के बाद में दोस्तों आपका जितना भी पुराने मोबाइल का डेटा है वो न्यू मोबाइल में बिना किसी बैकअप लिए एक मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाए। इस पर दोस्तों मैंने डिटेल से वीडियो बनाया जिसका लिंक आई बटन में आ रहा है। अगर आप भी बैकअप लेना चाहते हो बिना किसी नेट तो दोस्तों आप ले सकते हो पुराना मोबाइल टू न्यू मोबाइल के अंदर एक मिनट के अंदर। अब आते हैं सेकंड नंबर की अपडेट जो आई है दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर आई। दोस्तों अब व्हाट्सएप पर आप जो भी स्टेटस लगाते हो वो आप अगर फेसबुक की स्टोरी में भी दिखाना चाहते हो तो दोस्तों ये अपडेट बड़ी मजेदार की। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ दोस्तों आपको स्टेटस प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फेसबुक का। अब दोस्तों व्हाट्सएप पर जो भी आप स्टेटस इमेज वीडियो ऑडियो लगाओगे वो फेसबुक के अंदर भी आपके अकाउंट के अंदर दिखाई देगा, मतलब स्टोरी की जगह। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना और गेट स्टार्ट पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा। अगर आप चेंज नाम करना चाहते हो तो नीचे वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो सेम रखना चाहते हो तो एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये अब आप स्टेटस जो भी लगाओगे वो दोस्तों आपके व्हाट्सएप पर भी शो होगा, व्हाट्सएप का स्टेटस फेसबुक पर भी शो होगा। तो यहाँ आपको एक सेटिंग और इनेबल करनी है, यहाँ से चालू कर देनी है अलाउ शेयरिंग फेसबुक स्टोरी। उसके बाद आ जाना बार बार आने के बाद में दोस्तों अब क्या करते हैं, हम यहाँ से लगाते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस। ये व्हाट्सएप स्टेटस हमने कर दिया क्लिक। अब दोस्तों ये जो भी हमने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया ये दोस्तों आपको फेसबुक के अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। मैं ले चलता हूँ आपको फेसबुक के अंदर और दोस्तों अगर कुछ सेकेंड टाइम लगता है वेट करना होता है उसके बाद दोस्तों ये भी आपका यहाँ शो हो जाएगा स्टोरी की जगह, ठीक है, कुछ सेकेंड वेट लगता है। अब आते हैं थर्ड नंबर की अपडेट जो दोस्तों बड़ी मजेदार की अपडेट है। दोस्तों पहले आप एक मोबाइल से दो मोबाइल तीन मोबाइल चलाते तो आरओ कोड को स्कैन करना होता, परंतु दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है। लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ लिंकिंग डिवाइस वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना और यहाँ आपका फिंगर वगैरह वगैरह कुछ दे देना। तो यहाँ दोस्तों एक न्यू अपडेट आई है देखने को, लिंकिंग विथ फोन नंबर स्टैंड। अब दोस्तों होगा क्या कि इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक आठ कोड डालने होंगे। अब दोस्तों आप अगर आपके पास एक ही नंबर है दो तीन मोबाइलों के अंदर व्हाट्सएप चलाना चाहते हो तो दोस्तों आपको क्या करना, क्राउन ब्राउजर के अंदर व्हाट्सएप वेव को ओपन करके और दोस्तों वहां आपको सेलेक्ट करना है अपने मोबाइल नंबर और वहां से एक कोड जनरेट हो जाएगा और वो कोड ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। आपके पास दोनों ही मोबाइल हाजिर में होने चाहिए और दोस्तों एक से दूसरे मोबाइल के अंदर बिना आरओ कोड स्कैन किए भी आपका व्हाट्सएप चालू हो जाएगा। अब आते हैं तीन नंबर की, दोस्तों तीन नंबर की आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट। दोस्तों आपको क्या करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, सेटिंग पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ प्राइवेसी वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देखना चाहते हो या किसी की चैट देखना चाहते हो परंतु अगले वाले बंदे को पता ना चले, कई बार होता है ईगो होता है कि भाई मैं उसका स्टेटस देख लूँ पर सामने वाले बंदे को पता ना चले, उसका मैसेज भी पढ़ लूँ परंतु सामने वाले बंदे को पता ना चले, तो दोस्तों यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलता है रेड रिपोर्ट, इस सेटिंग को आप बंद कर दीजिए।
दीजिए। बंद करने के बाद में दोस्तों आप व्हाट्सएप पर किसी का भी स्टेटस देख लोगे, किसी की चैट भी पढ़ लोगे, दोस्तों सामने वाले बंदे को पता तक ही नहीं चलेगा। इसका मैंने दोस्तों डिटेल से वीडियो बनाया जिसका आई बटन में लिंक आ रहा है, अगर आप भी करना चाहते हो तो इस सेटिंग को जरूर ऑफ कर दीजिए। अब आते हैं फाइनल जो अपडेट आई है दोस्तों, फाइनल अपडेट आई है दोस्तों वो है व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर। दोस्तों अगर आपके पास ग्रुप ज़्यादा है, ग्रुप के अंदर ज़्यादा काम है, तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप सेटिंग का, इस पर दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ ग्रुप का जो डैशबोर्ड है AIU वो कंप्लीट आपको यहाँ न्यू तरीके से दिखेगा, और यहाँ से पूरे ग्रुप को आप मैनेज कर सकते हो, और कंप्लीट यहाँ सेटिंग दी हुई है। आप अपने ग्रुप को किस हिसाब से कम करना चाहते हो मैनेज, उस हिसाब से यहाँ से आप डायरेक्टली अपने पूरे ग्रुप को कर सकते हैं। तो ये थे व्हाट्सएप के 5 न्यू अपडेट, जो बड़े ही मजेदार के अपडेट। दोस्तों इन अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए। मेरे को दीजिए इजाजत, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।